रानी जी यहां पर आई हैं। नमस्कार। नमस्कार। So nice to see you. That's a different thing that I can't see. So nice to see you. नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है। नहीं नहीं तीन जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो कल बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी आमी चांगले आहुत। ऑप्शन डी चार बंगला हो। ये नकली बचपन साहब ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ। वो एक्चुअली क्या हो गया कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हर वक्त ये कल ही की बात है। कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। रिक्शा? हाँ हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया। जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा हम जोर से चीखे पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। अच्छा। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोनो फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी। अच्छा डैनी। डैनी डेंगू। डैनी। डैनी डेंगू। हाँ है डैनी। सैफ सर बताएंगे। हाँ डैनी डेंगजोंगपा। हाँ वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे दो डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर सो सो वंडरफुल टू सी यू गाइस। खैर सैफ जी। जी जी। मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये ताहिमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पेटले से बात तय कर सकते हैं। तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए दो प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली और उसमें वो सांबर मत डलवाना। इडली इडली होता है। हाँ तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना वो उसके अंदर दो छेद भी करवा देना। वो मेंदू बड़ा होता है सर। मेंदू बड़ा? बड़ा कहाँ, वो छोटा होता है। हम तो आठ आठ प्लेट खा जाते हैं। ये तो दो है। हाँ तो दो बार आठ आठ खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बैंड्रा में रहते हैं, मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना? रहते हैं। वो तो असली वाले रहते हैं। हम बैंड्रा में रहते हैं। आपने वो अस्सी लिंक देखा है? जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं। वो जो सी लिंक है वही जो सीलिंग है उसके चौथे पिलर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता।
बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे तीन स्तंभ हैं। इसलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो तीन चार ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब है। हाँ जी, क्या कह गया? मैं उठा देता हूँ। ये बहुत महंगा मैं रख लूँ, मैं गरीब आदमी। ये कृष्णा, आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज। जी जी, बस यही चाहिए। कंट्रोल, एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे ऐसा आ सकता है? सच्ची में? सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात नहीं। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शॉक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को? नहीं, सीलिंग फैंस को। ऐसे ऐसे करके पोछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो गई। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी एक महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी मैंने। मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी, वो हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम पहले कभी नहीं मिले। मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शैडी? शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नहीं है लाइन में जी, मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। जादूगर कहां से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था? नहीं, विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया होगा। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ। खैर, मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो
तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा जी। रानी जी मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस आज मैं करूंगा वो। तो सही देता तुम सब भले तुझे होती है जब आप जब बोलते आते आते हैं मुझे तो भले तुझे होती है मुझे लगता है देखा तो उसे ठीक हुआ जाने का समय जो है हो चुका है। इट वॉज नाइस सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा, बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। वाह वाह वाह, ही इज ड्रेस्ड एज बंटी, ही इज ड्रेस्ड एज बंटी। चंदू 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 चंदू, जितना मर्जी कर लो चंदू चंदू, मैंने सब एडिट में कटवाना है। यहां से शुरू होगा चंदू 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 चंदू। वाह वाह वाह, कोई इतनी मुश्किल से कैमरा मिला, मुंह दिखा, क्या बैक क्या दिखा रहा है यार। बंटी पब्लिक 2 की टीम आई हुई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। साहब सर नमस्कार, नमस्कार रानी मैम, नमस्कार सिद्धांत सर, नमस्कार शर्वरी। वेल डन, मैंने इसलिए आपका नाम लिया, मेरे को ऐसा लगना था मैं जानबूझ के आपका नाम गलत बोल रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए। यार मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाओ। ये है, ये भी है। मतलब मुझे आपका नाम पता है, चंदू। चंदू बस, चंदू। ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ यार चंदू, ये चंदू। एक्चुअली आज आप बंटी बनकर आए हैं। राकेश, थैंक यू मैम। यार थोड़ा खुल के इंट्रोडक्शन करवाओ। कपिल शर्मा आ जा इधर। सर ये चंदू है। हाँ जी। इसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं और एक मुंह है जो 5 मिनट बाद आपका देखने को दिल भी नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक यूनिवर्स। कपिल शर्मा यार मैंने तुम्हें तारीफ करने को कहा, तुम तो गुस्सा कर गए हो। ये बातें तुम मुझे बाहर भी कह सकते थे। बाहर कहता ही हूं मैं। मैंने पहली बार तो नहीं कही। खैर रानी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी फिल्म आई थी ना राजा की आगी बरात, मैं 5 बार देखने के लिए गया था। पूरी बात बता क्यों गया था। इसको सीरियस लगा था कि किसी राजा की बरात आने वाली, वो पैसे लुटाएंगे और मैं लुटूंगा। ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। एक ट्रू फैन। इसको बंद कर, तेरा क्लीवेज दिख रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तुम ऐसे मत करो यार। मैं तो ये मैं फैन उनका, इसलिए मैं इधर आया हूँ। हाँ। यार देखो मैं कितना अच्छा बन के आया हूँ। हाँ, तुम्हें लग रहा है। यार मैं बन ठन के आऊँ कपू शर्मा। देखो मेरे बनना तो ठीक है, ठंडना क्या होता है। ठंडना मतलब अच्छी पूरी पर्सनैलिटी निकाल के। एक मिनट रुको यार, तुम अच्छे लग रहे यार, मैं तुम्हें सोफे बिठा सकता हूँ। तुम रुको यार, ये क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें, नजर का टीका। हाँ जी, हैंडसम जो एक्टर होते हैं ना उनको नजर लग जाती है। यार छोड़िए इन बातों को सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सैफ सर, ये 10-स्टार स्पेशल जनरल स्टोर है ना, इसका मैं स्पेशल और इकलौता मालिक हूँ। जोरदार तालियां मेरे लिए। मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी ब्रो। हाँ जी। स्पेशल मालिक हूँ मैं, स्पेशल। स्पेशल तो ये बहुत है, आपको पता बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना, सबके होते हैं। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ, इसके मम पापा ने जादूगर बुलाया। अच्छा। कहते जैसे आप कपड़ा डाल के कबूतर गायब करते हो, इसको करो। और तो हमको नहीं चाहिए ये। और सर जब ये पैदा हुआ, इसके मम्मी पापा भूखर ताल पे बैठ गए, कहते हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।
प्लीज मेरे को बात करने दे। हाँ रानी मैम जी, आदित्य सर कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लीज उनको बोलिए थोड़ा सा मेरे को सिखा दें वो। तुझे कैसे पता वो अच्छा कैरम खेलते हैं? यार अच्छा कैरम खेलते हैं तभी तो रानी निकाल ली उन्होंने। वाओ वाओ, ये जो वर्ड प्ले किया ना, एक्चुअली करीब हो ही सकता है जिसने बचपन से आज तक सिर्फ लूडो ही खेली हो और कैरम ही खेला हो, तो करने क्या है इधर? रानी लूडो में नहीं होती, कैरम में होती है। तो मैंने कैरम भी बोला, अगर तूने सुना नहीं। अच्छा सॉरी, चल चल बैठ, अरे सोफा पे बैठना आराम से। देख इतनी मेरा भाई है, खराब तेरी शर्ट है, बैठ आराम से। खैर रानी मैम, मैं इधर आया हूँ कि बंटी बबली 2 तो आ रही है, लेकिन इसके बाद जब बंटी बबली 3 आएगी तो उसके लिए मैं रोल मांगने के लिए आया हूँ। सर मैं वैसे ले ले सर, अच्छा खासा है, चोर लगता है। इसका ये बड़ा फायदा है, ये आगे की चीजें पहले प्लान करके रखता कि 3 आएगी फिर मेरे को ले लो। हाँ तो मेरा डेट्स वेट्स का इशू हो जाता है ना बाद में, शेड्यूल बिजी है ना मेरा। जैसे सर मैम वो 83 मूवी आ रही है ना वर्ल्ड कप पे जो है, उसका भी थोड़ा पैचवर्क मेरा बाकी पड़ा हुआ है। क्या पैचवर्क बाकी है? और रणवीर सर ने पानी मांगा था, अभी तक मैंने दिया नहीं उनको। सुन मेरी बात, बंटी और बबली 3 तो मुझे पता नहीं कब आ रही है, अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आ रही है। तो मैं आपके तो खुद समझदार है, नीचे आ जाऊं? मैं ऐसी बात कभी नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं तू आगे आए इंजन के। यार बात कर रहे हो, बनने आ गया, तेरी बबली कहां है? मेरी बबली ऐसे थोड़ी आई, बबली की एंट्री हमेशा ग्रैंड होती है, क्यों रानी मैम? एब्सोल्युटली सो पेश है मिस बुरी। ओ हेलो बबली। हाय यस। ये क्या बन के घूम रही हो? हीरोइन, मैं बबली बनी हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं माइसेल्फ भूरी बनी हूँ बबली। ओहो, तुम चाहे भूरी हो चाहे हरी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। सोच कैसे लेते हो हीरोइन बनने की? तुम क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी बातें वो सोच के कर रही है। और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, उसने नहीं सोचा, ये सारा क्रिएटिव मैंने लॉक किया है कि बंटी बबली हम बनेंगे। एग्जैक्टली रानी मैम, जैसे आपने बंटी और बबली में इन्हें चांस दिया है, वैसे बंटी और बबली 3 में आप हमें चांस दीजिए। मैं ये नेशनल टेलीविजन में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ये सिर्फ मेरे पति परमेश्वर ही करते हैं। नहीं नहीं, मैंने भी तो रोल आपसे मांगा था। मुझसे? हाँ वो टेक्स्ट है मेरा, जो रानी मैम इट्स ट्रू। नहीं पहले तो तुम लोग चाय नाश्ता मेंदू वड़ा टाइप मांगते थे, अब तुम लोगों ने रोल मांगने शुरू कर दिए। पप्पू ऐसे बिल्कुल मत बोलो, सैफ सर प्लीज इग्नोर हिम। ऐसे सर पता है आपको, मैंने एक्टिंग के सपने ना आपके वजह से देखे थे। झूठ बोल रही हो, बार तो तुमने मुझे कहा कि ये सपना तुमने रानी मैम की वजह से देखा है। अरे तो ठीक है, ज्यादा सो गई थी, 2 सपने देख लिए, तुम्हारा क्या? कुछ भी, मुझे बात करने दो। सो सैफ सर, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम अ फैन ऑफ योर्स आल्सो। अरे सो मुझे इतना अच्छा लगा था, आप वो सीक्रेट गेम्स में थे ना? थे क्या, अब भी वही है? सीरीज रिलीज होगी, इसका ये मतलब थोड़ी कि उधर चंकी पांडे आ जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई मतलब था नहीं ना, तो चुप रहा करो तुम। अरे मैं तुमसे एक बात ही कहनी भूल गया, गेट आउट। मुझे बात करने दो सैफ सर से। सर पिछली बार भी आप आए, मैं आपसे मिल नहीं पाई, आई एम सो सॉरी, वो मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना था। सर ये बाहर नहीं, ये अंदर गई थी अपने मामा से मिलने के लिए, वो जेल में है ना। एक्चुअली वो थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं, अब हंसी मजाक में वो चले गए जेल हो गए। वाह 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 वाह, जो मजाक कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, जो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमारे शो में आ रही हैं। मैम मैं बोल रही हूँ, हम दोनों को लेके आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जो एक्टर आपको करोड़ों मांगेंगे वो हम लाखों में कर देंगे वही चीज। तो लाखों तो यहाँ पे भी ले रहे हो, यहाँ काम क्यों नहीं करते? इधर क्या मौत पड़ी है तुम लोगों को? देखा सोती तुम रहती हो, बातें मुझे सुननी पड़ती है तुम्हारी वजह से। मैं तुझे भी कह रहा हूँ। मुझे भी कह रहे हो? एक तो ये हर दुर्गा पूजा पे आपके साथ फोटो खिंचवा के आ जाती है, फिर सारे प्रोडक्शन वालों पे रोप डालती रहती है। मी एंड रानी आर वेरी गुड फ्रेंड। तुम बड़ा स्टॉक करते हो मेरा इंस्टाग्राम। हाँ
सुनो मेरी बात सुनो, मैं रानी मैम ने कहा था तुम दोनों को एक मैसेज देने के लिए, बड़ा स्वीट मैसेज, कि वो तुम दोनों को कभी भी नहीं लेंगे, तुम लोग निकलो। अरे क्यों नहीं लेंगे, हम भी बंजी और बबली की तरह एकदम कौन कपल है। ये तो है, ये हाँ ये कौन कपल है, कहीं पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये कपल कौन है। रानी मैम वैसे आपको पता है ना आपके और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है? आप बंगाली मैं भी बंगाली। तो सीधा सीधा रसगुल्ला मांगो, भूमिका क्यों बना रही हो? तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो, तुम लोगों को रोल चाहिए कि रसगुल्ले चाहिए? नहीं नहीं रसगुल्ले नहीं चाहिए, हमें बस बंची पबली 3 में ले लो। डन डन डन। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका तो फिल्म में कोई नहीं लेगा। क्यों? इसको फोटोग्राफर इसकी फोटो भी खींचता ना, वो कहता सर बाहर हो जाओ आपका मुंह अंदर आ रहा है। आप बचपन की इसकी फोटो देख लेना, लोग अपने बच्चों को पकड़ के वो फोटो खिंचाते ना। हाँ। इनके मामा ने कहा फोटो खींच रहे हैं, ये वाला इधर रखो, किसी और का बच्चा उठा के खिंचा के आइए। मैं बचपन में नहीं हैंडसम था, मतलब अब हो, अब मेरी पर्सनालिटी में फर्क पड़ गया और खराब हो गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।